आज दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी। कांग्रेस पार्टी ने बैठक बुलाई थी जिसमें पहले खबरें थी कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आज नीतीश कुमार खुद सामने आए। उन्होंने कहा उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले, वो किसी रेस में नहीं है, वो कोई पद की लालसा नहीं कर रहे हैं। उनकी सिर्फ कामना यह है कि सब साथ हो, संगठन मजबूत हो। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम एक साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। तब बाकी बीच में चुनाव होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। एक बात और हम कह देते हैं बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है, और जो अपना राज्य मेरे राज्य करे देश के, और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट होकर के, और जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखे। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे, हमको अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं।